नमस्कार फ्रेंड्स, नन्हे इसरो विक्रम। हेलो गाइस, दिस इज विक्रम। और आज की वीडियो में, क्योंकि आदमी अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, तो हमने भी एक चीज सीखी और वो मैं आप लोगों तक लाने वाला हूँ। आज के वीडियो में एक सेटअप है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन ये सेटअप ऐसा क्यों बनाया उसका रीजन पहले बताता हूँ। कई बार लोगों की डिमांड आने लग गई कि हमें लाइनरे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं लो फ्रीक्वेंसी लैग करती है। मतलब आवाज़ को जो हैवीनेस चाहिए रहती है वो कहीं ना कहीं लैग करती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए? तो कई लोगों से बात करने के बाद, उनकी डिमांड समझने के बाद समझ में आया कि 15 इंच स्पीकर है जो कि उसमें लग सकता है, क्योंकि उतना लो एंड डेप्थ सिर्फ 15 इंच के स्पीकर से ही मिलता है। क्या किया जाए? लाइनर में 15 इंच तो लगा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, और ये हमने इस बार किया है। हमने लाइनर में 15 इंच के स्पीकर लगाए हैं। क्या होता है, अगर आप लाइनर 15 इंच में बनाएंगे तो उसमें आपको उतना ही अमाउंट ऑफ HF देना पड़ेगा जितना आप स्पीकर दे रहे हैं, ताकि उसकी उतनी ही लॉन्ग थ्रो मिले जितना 12 इंच की या 10 इंच के लाइनर की मिलती हैं। तो हमने क्या किया, दो स्पीकर डाले और साथ ही साथ दो HF लगा दिए। अब क्योंकि इसका पॉइंट सोर्स अलग होता था, इसका HF का डायरेक्शन और मिड का डायरेक्शन अलग दौड़ता है टॉप का, जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं। हमने क्या किया, इसमें HF सेंट्रलाइज्ड फिट कर दिया, बीच में फ्लेयर लगा दिया HF का और उस पे दो दो HF फिट कर दिए, नेटवर्क लगा दिया पूरा। इससे क्या हुआ कि पॉइंट सोर्स इसका चेंज हो गया, अब मिड और हाई एक साथ दौड़ने लगी और स्ट्रेट लाइन में दौड़ने लगी जहां से ये रखा जाता है। और क्योंकि इसका प्लेसमेंट कुछ इस टाइप का है तो इसकी आवाज आपको सामने दहला देती है और काफी लंबी भी जाती है। ये काम किया हमने लाइनर में। अब इसमें क्या डाला है, कैसा डाला है, मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ऑफिस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इसे बुक करा सकते हैं। सेटअप का पूरा डिटेल मैं आपको दे देता हूं और इसका लाइव डेमो आप यहां आके देख सकते हैं, महाराष्ट्र में हमारी शॉप है। और चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इस सेटअप का प्राइसिंग जो है वो 3,50,000 है। इसके साथ आपको एम्पलीफायर, मिक्सर, वायरिंग, डीजे बेल्ट और स्टेबलाइजर भी आते हैं। अब इसमें क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 15 इंच के टॉप में हमने ऑडियो टोन के स्पीकर यूज़ किए हैं, जो कि 15 इंच 400 वाट के, जो कि वो मॉडल हैं 15X401M। इसके बाद हमने बेस में क्या यूज़ किया है, बेस में हमने 21 इंच का बेस यूज़ किया है, क्योंकि आजकल लोग पावर मांगते हैं, उतना ज़्यादा वाइब्रेशन चाहिए उन्हें, तभी हमने 21 इंच डाला। 2160 मॉडल है, 2500 वाट 6 इंच वॉइस कॉल के ये स्पीकर्स हैं, और साथ ही साथ ऑडियो टोन का एम्पलीफायर लगा दिया। टॉप के लिए हमने जो है पियानो का एम्पलीफायर यूज़ किया 2500 का, और उसका सबका मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। इन सब को हम लोग ट्रायल भी कर रहे हैं और ये कस्टमर की डिमांड पे बनने वाले सेटअप है, क्योंकि कर्नाटका गया है तभी मैंने उस टाइप के नमस्कार से आपके साथ स्टार्ट किया था। अब इस सेटअप को आगे देखने से स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये जो स्पीकर है ऑडियो टोन का 15X401, ये एक्चुअली मिड और लो मिड के बीच में एक संतुलन बना के रखता है। इस स्पीकर का आपको जो फ्रीक्वेंसी रेंज मिलता है, इसमें कहीं ना कहीं ये उस रेंज पे काम करता है जहाँ पे आपको ये मिड और लो मिड दे सकता है। मतलब ये एक आइडियल फैक्टर में बैठता है, जिस फैक्टर में लाइनर के स्पीकर्स बैठते हैं। और दूसरी बात कि इसकी चेसी जो है वो काफ़ी लाइट वेट है, जिस कारण से इसका वजन कम होता है और आपका टॉप जो है वो लाइनरे बन सकता है कम वेट की वजह से। वैसे तो कॉइल जो होता है इसका 3 इंच का इनर आउटर वॉइस कॉइल होता है इस स्पीकर में, और काफ़ी सिंपल सा डिज़ाइन दिया गया है, लेकिन कोन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी जाती है इसमें। ये ऑडियो टोन के उन पुराने मॉडल्स में से हैं जो तब से लेकर अब तक सक्सेस रेशो में चलते आ रहे हैं। ऑडियो टोन का टैग भी आप लोग देख सकते हैं इसके साथ लगा हुआ। और इसके बाद इसकी कोन की क्वालिटी मैं आपको यहां से दिखाता हूं।
काफ़ी रफ गोंद दिया जाता है, जिस कारण से आपको मिड की एक अच्छी लंबी थ्रो मिलती है। Y35 ग्रेड का ये स्पीकर होता है, ये पहले भी कई बार आप मेरे वीडियोस में देख चुके होंगे, क्योंकि ये स्पीकर काफी कॉमन बिकता है। इस स्पीकर का एक्समास जो है वो 2 लेयर का दिया गया है, लेकिन ये काफी फ्लेक्सिबल होने के कारण आपको एक अच्छा जंप देखने को मिलता है। डस्ट कैप जो है ये मशीन सील्ड नहीं है, और ये टैग है जो कि ऑडियो ट्यून हर स्पीकर के साथ देते हैं। ये सर्टिफिकेट है जो ऑडियो टोन इशू करते हैं उनके ओरिजिनल स्पीकर्स के साथ। ये स्पीकर जो है 38 हर्ट्ज से लेके 4.5 किलो हर्ट्ज तक काम करता है, मतलब कि इसमें लो मिड, मिड रेंज और हाई मिड तीनों टाइप की फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाती है। कोन और स्पाइडर के बीच में लगा हुआ सॉल्यूशन भी आप लोग देख सकते हैं, ब्लैक वाला। यहाँ आप लोग देख सकते हैं डुअल 21 इंच में हमारे स्पीकर जो लगे हुए हैं, इनका पीक पावर 5000 वॉट्स होता है, और स्पीकर जो है 15 इंच के लगे हुए हैं, बीच में डुअल वाली फ्लेयर लगी हुई है। डुअल फ्लेयर ये एल्यूमिनियम की होती है, इनमें 120 वॉट्स के 2 HF लग सकते हैं। ये 89000 एम्पलीफायर है ऑडियो टोन का, और ये पियानो का XP2500। ये ब्लू कलर के शेड में आता है, और ये ब्लैक में ऑडियो टोन का X सीरीज। कनेक्शंस हमने कर रखे हैं सारे। 15 इंच के 401 मॉडल नंबर के स्पीकर 3 इंच के वॉइस कॉइल के साथ आते हैं। ये 400 वॉट के होते हैं, और क्योंकि इसके साथ 120 वॉट का HF भी लगाया है तो एक लॉन्ग थ्रो आपको मिलता है, और क्योंकि इसका पॉइंट सोर्स जैसे कि मैंने बताया था चेंज कर दिया है, तो इसका ऑडियो जो है आपको 5 फीट के बाद पूरा मिड और HF एक साथ मिलना स्टार्ट हो जाता है। 5 फीट के बाद मैंने इसीलिए बोला क्योंकि आप अगर एकदम नजदीक रहेंगे तो जो चीज बज रही वो पहले सुनाई देती है, तो इसीलिए 5 फीट के बाद। लेकिन आपको बेस ही मजबूर कर देगा कि आप 5 फीट के बाद खड़े रहें, क्योंकि ये इतना पावरफुल है, मतलब आप अगर सामने खड़े रहते हैं ना तो ये हिला देता है। क्योंकि हम लोग इसे सिंपल रखना चाहते थे, कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो, इसीलिए हमने क्या किया, एक M5 मिक्सर यूज कर दिया ऑडियो टोन का, और एक नॉटरॉक्स का क्रॉसओवर यूज कर दिया जो कि बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको सेटिंग की जरूरत ही नहीं होती, इसे आप हाफ हाफ रख दीजिए और चल जाएगा। लेकिन इसमें एक बटन भी है जो कि आपको सिलेक्शन करने में मदद करता है कि आप इसे फुल रेंज चलाना चाहते हैं या तो फिर इसे 2 वे चलाना चाहते हैं, 3 वे भी चला सकते हैं इसे। तो हमने इसे 2 वे पे चलाया और इसे HF पे रखा, HF और मिड पे रखा टॉप को, तो सेटिंग अलग करने के बाद ये काफी ज्यादा अच्छा बजने लगा। अब ये अच्छा बजता है या नहीं बजता है वो आप सुन के बताइएगा। कई बार ये होता है कि दूर से सुनने पे आपको टॉप जो है या जो लाइनर बोल सकते हैं हम लोग 15 इंच वाले, ये ज्यादा प्रभावशाली लगने लगे। तो आप लोग अपने हेडफोन लगाइए ताकि इस सेटअप का पूरा ओवरऑल टेस्टिंग जो हमने आउटडोर में लिया था वो आप इंडोर में बैठ के आराम से सुन सके। We'll be right back.
Hey man, which language is this? This is Kannada from Karnataka. Today is Kannada's day. Yeah, can I join with you? Enjoy! टेस्टिंग में हम लोगों ने कुछ चीज़ें की थी, वो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग एक ही गाड़ी में पूरा मटेरियल लेके गए, उसे बिठाया, कस्टमर के सामने चेक किया। उनका रिस्पांस देख के समझ में आ रहा था कि उन्हें हिंदी गानों से ज़्यादा कन्नड़ गानों से प्यार था, तो हमने वही बजाए। आप लोग टेस्टिंग के दौरान सुन सकते हैं कि वो गाने हैं और काफ़ी अच्छे बजते हैं गाने। खैर, इसे हमने वायरिंग में ये किया कि मिक्सर से क्रॉसओवर तक वायरिंग लाई दो केबल्स के थ्रू, और एक एक केबल के थ्रू हमने एम्पलीफायर तक लेके गए, क्योंकि एम्पलीफायर पैरेलल मोड पे चल रहे थे, इनका वॉल्यूम उतना ही रहता है पैरेलल और स्टीरियो मोड पे। ये नए टेक्नोलॉजी के एम्पलीफायर हैं इस वजह से। तो पैरेलल मोड की वायरिंग की और बेस को हमने AD 9000 पे बजाया, पियानो 2500 पे, टॉप को बजाया या लाइनर को बजाया बोल सकते हैं। इसे सिंपल सा क्रॉसओवर लगाया था। अब इसके लिए 15 KVA का आपको स्टेबलाइजर लगता है, 15 KVA का, क्योंकि इसका लोड जो है कैलकुलेटेड है उस हिसाब से। आप अगर इसको दुगना भी करते हैं तो 30 KVA लगेगा। इसका मतलब आपको जेनसेट जो है करीबन 20 KVA का लगाना पड़ेगा इसे, जो कि आपको बड़े सेट में ही मिल सकता है, छोटे जेनसेट में ये नहीं चल पाता है क्योंकि पावर्ड है। अच्छा, बेस का जो था वाइब्रेशन आप लोग पहले भी देख चुके हैं, ये काफ़ी खतरनाक और तगड़ा बजता है। हमने नए माइक्रोफोन से इसे टेस्ट किया तो आपको वो क्लैरिटी समझ में आएगी, क्योंकि अब बेस का इम्पीडेंस आपको उतना दिखेगा जो एक्चुअल आ रहा है नजदीक आने पे, और दूर से आपको टॉप भी उतना क्लियर सुनाई आएगा। कहीं ना कहीं ये दोनों मैच करने के लिए माइक्रोफोन्स को चेंज करना जरूरी होता है, और ये सब चीजें आउटडोर में इसीलिए हम लोग टेस्ट करते हैं ताकि आपको वो एक्सपीरियंस हम लोग दिला सके। तो आप लोगों को ये सेटअप कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। इसका कैटलॉग मैं व्हाट्सएप नंबर पर बना देता हूँ, वहां से आप ये कैटलॉग देख के इसे परचेस कर सकते हैं और इसके बारे में डिटेल जान सकते हैं। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, ऐसी और वीडियोज देखने के लिए इस चैनल पर बने रहिए।
थैंक यू गाइस।